हे गाइस, दिस इज हर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ राइडर। तो दोस्तों, हम हैं अमरकंटक दर्शन में और ये हमारा शायद 14वां ब्लॉग है जिसमें हम आपको लेकर चलेंगे कबीर चबूतरा या श्री नर्मदा मंदिर से पश्चिम और दक्षिण दिशा की ओर लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर है कबीर चबूतरा नामक स्थान है। श्री नर्मदा परिक्रमा जो लोग करते हैं वह अमरकंटक से आरंभ करते हैं। वे श्री नर्मदा के दक्षिण तट से चलते हुए 5 किलोमीटर की दूरी पर कबीर चबूतरा नामक स्थान पर पहुंचते हैं। यहां पर पुरानी मान्यता यह है कि किसी समय में देश के महान संत श्री कबीर दास जी इसी स्थान पर तप किया था, सिद्धि भी उन्हें इसी स्थान पर प्राप्त हुई थी। इसी कारण से यह स्थान कबीर पंथियों के लिए श्रद्धा का विशेष केंद्र बना हुआ है। कबीर साहब की आत्मचिंतन स्थली घनघोर जंगलों के मध्य सुंदर स्थान पर स्थित है। इसी स्थान पर कबीर कुंड बना हुआ है। कबीर कुंड के विषय में कहा जाता है कि श्री नर्मदा प्रातः काल लगभग 8:45 में दूध के रूप में या दूध धारा बनकर इस कुंड में दर्शन देती है। कबीर चबूतरा कबीर साहब की आत्मचिंतन स्थली होने के साथ साथ 3 जिलों का संगम स्थली भी है, जो क्रमशः अनूपपुर, बिलासपुर तथा जबलपुर है। यहाँ आपको नर्मदा मंदिर से 5 किलोमीटर की दूरी में पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं कबीर चबूतरा और दिखाते हैं कबीर चबूतरा का एरियल व्यू को। तो चलिए आगे में मिलते हैं। तो गाइस, हम पहुंचने वाले हैं कबीर चबूतरा और यहाँ पर ये छत्तीसगढ़ राज्य में आपका हार्दिक स्वागत है। एमपी और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर है जस्ट, और यहाँ से राज्य का सीमा लगा हुआ है। और जस्ट हम जाते हैं तो यहाँ से आपको अचानक मार जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहाँ से दिखाता है। यहाँ से इंट्रेंस है उसका, जस्ट यहाँ से हमको लेफ्ट लेना है और जैसे हम लेफ्ट लिए वैसे में कबीर चबूतरा आ जाएगा। तो आप देख सकते हो सामने में यहाँ लिखा भी हुआ है कबीर चबूतरा दूध धारा बोल के। और यहाँ पर बहुत सारी मान्यताएँ भी है कि कहते हैं कि 8:45 में माँ नर्मदा यहाँ पर दूध के रूप में दर्शन देती है। तो चलिए अंदर जाकर देखते हैं कि क्या क्या है और क्या क्या दर्शन होते हैं। तो चलिए आगे में और भी मिलते हैं। हे गाइस, दिस इज हर्ष, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ राइडर। तो हम आ गए अमरकंटक के फिर नए एपिसोड में और इसमें है कबीर चबूतरा। आप देख सकते हो संत कबीर जी का यहाँ से कबीर चबूतरा है, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल। और यहाँ से अपना गाड़ी और स्टेट ब्लॉगर और ये कबीर चबूतरा आप देख सकते हो, जिसके बारे में पढ़ सकते हो यहाँ पर स्टॉप करके। तो चलिए चलते हैं साहेब बंदगी साहेब। तो आप देख सकते हो कबीर चबूतरा में ये कबीर कुटी है, सत्य नाम ये कबीर कुटी है। तो चलिए अंदर चलते हैं और यहाँ देख सकते हो यहाँ बहुत ही साफ सफाई है। क्या पेड़ है? अनार। ये देखिए बहुत अच्छे पेड़ है और यहाँ से कुछ इस प्रकार से व्यू है। और ये कबीर चबूतरा है, यहाँ पर कबीर जी यहाँ तपस्या किए थे ना? ये तो इनकी कुटी है। आगे। अच्छा, तो यहाँ ये कुटिया है कबीर जी का और तपस्या स्थल ऊपर है। तो चलिए ऊपर की ओर चलते हैं। मैं राइडर कृष्ण भाई। और बताओ कृष्णा भाई, यहाँ के बारे में बताओ क्या क्या है। बस हम लोगों के मतलब यहाँ पास 2 कुंड हैं। उन्हें मतलब सुबह 7 बजे आते हैं, फिर एक कुंड है जो दूध पानी हो जाता है, यहाँ चप्पल जूते उतार देते हैं पहले। हाँ बताइए। यहाँ पास आइए, यहाँ पास मतलब उनकी कुटी है ये वाली। हाँ, ये कबीर जी का कुटिया है। कुटिया है जी। और ये उनका व्यू है। यहाँ पर ये है और यहाँ पर भी है, ये सब कबीर चबूतरा अमरकंटक कबीर कुटी है। और यहाँ पर एक चीज़ लिखा है आप देख सकते हो, प्रतिदिन सुबह 8:45 से दूध धारा कर दर्शन होता है, कृपया जड़ी बूटी को फूलों को न छुए। या दूध धारा बोल रहे हैं यहाँ पर हैं
8:45 में दूधधारा का होता है। तो चलिए यहाँ दो कुंड है, देखते हैं। चलिए अंदर चलते हैं और कृष्णा भाई गाइड कर रहे हैं हम लोग को यहाँ पर अभी क्या क्या है। और ये भी पेड़ जो फूल है क्या क्या है? गुल बकावली। यही गुल बकावली का फूल है, आप देख सकते हो। ये गुल बकावली का जो फूल है आपको दिखा देता हूँ, पहले भी दिखाया था भाई। ये जो फूल है आप देख सकते हो, यही नर्मदा माता का सहेली है। इसके बारे में बहुत सारा किरवंती है। तो ये बहुत सारे यहाँ पर फूल है गुल बकावली का। और ये जो कुंड है, प्रातः 8:45 में देख सकते हो, यहाँ दो कुंड है, पानी हमेशा निकलते रहता है। और यहाँ पर कहा जाता है कि प्रातः हर दिन 8:45 में यहाँ से पूरा दूध की तरह दिखाई देता है यह पानी। अब जब भी अगर आते हो अमरकंटक तो कबीर चबूतरा जरूर आए। 8:45 में अगर आते हो तो ये जो पानी साफ दिख रहा है पूरा दूध की तरह दिखाई देता है, जैसे कि यहाँ नीचे में दिख रहा है थोड़ा थोड़ा, और देख सकते हो। चलिए तो चलिए कबीर वट के हिसाब चलते हैं और कबीर चबूतरा की ओर चलते हैं, जहाँ पर कबीर जी तपस्या किए। तो चलिए अंदर कर चलते हैं। यहाँ पास कुछ बगीचा है, देखा सकते हैं। यहाँ बहुत सारे देखिए गार्डन टाइप के, यहाँ पर अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ हैं और यहाँ पर भी बहुत सारे जड़ी बूटी वगैरह लगाए हुए हैं। और यहाँ पर बहुत बड़ा स्पाइडर है, देख सकते हैं। स्पाइडर देखिए, तो दोस्तों आप कबीर चबूतरा में आओगे तो यहाँ से पार करना पड़ता है इस पुल को, आप देख सकते हो। और यहाँ पर कबीर वट पीछे उधर दिखा रहा है और कबीर चबूतरा लिखा हुआ है। चलिए अंदर की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या क्या है। तो ये जो स्थान दिख रहा है यहाँ से अंदर है, यहाँ ट्रैकिंग रूट है, यहाँ से ट्रैक भी कर सकते हो। यहाँ से देख सकते हो 8.5 किलोमीटर है सोनमुड़ा, सीधे जाओगे तो ट्रैकिंग के लिए। तो चलिए अंदर चलते हैं। ठीक है, यहाँ बैठते थे आशीर्वाद देने। अच्छा, तो कबीर साहब जी यहाँ पर आशीर्वाद देने बैठते थे, वो रहे यहाँ बैठते थे अपनी। हाँ, और यहाँ चलते हैं ऊपर की ओर। चलिए तो यहाँ पर वट वृक्ष है बहुत बड़ा सा, चलिए आपको दिखाते हैं। तो यहाँ देखिए इतना विशाल का है, बरगद का पेड़ है यहाँ पर। और यहीं पर तपस्या करते थे कबीर साहब। और यहाँ के लोग बता रहे कि यहीं पर कबीर साहब तपस्या किए थे। देख सकते हैं आप लोग, वट वृक्ष बहुत ही बड़ा है। घने जंगलों में विशाल काय वृक्ष, कितना बड़ा बरगद का पेड़ है, अब देख सकते हो। तो दोस्तों यहीं पर कबीर साहब जी तपस्या करते थे बोला जाता है यहाँ के लोग। और यहाँ कबीर चबूतरा इसी के नाम से पड़ा है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। और हाँ, माया दुलार बनाए रखो।